हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ न्यू चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन टू पार्ट्स। दिस इज़ पार्ट वन वीडियो, पार्ट टू विल बी डिस्कस्ड इन अदर वीडियो। सो यू कैन ओपन योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक एंड ओपन द पेज नंबर 11। So let's start, students. As you can see here, the name of the chapter is singular and plural nouns. So in this video, we are going to convert the singular nouns into plural nouns. We will discuss some rules that are used while converting the singular into plural. हम इस वीडियो में कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट करते हैं. As we can read here, जैसा कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं, You can use noun to express the names of the single or one person, place, animal or thing. आप किसी भी one person के names को use करने के लिए person, place, animal or thing के names को use करते हैं, उनके names को express करने के लिए. And also express names of multiple or more than one person, place, animal or thing. और आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए, persons के लिए, animals के लिए, things के लिए भी उन्हीं का नाम use करते हैं. But this can be done by with concrete, countable nouns. यानी काउंटेबल या कॉन्क्रीट नाउन से हो सकता है एंड नॉट विद एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन. लेकिन हम उनको प्लूरल में एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन को चेंज नहीं कर सकते, कॉन्क्रीट और काउंटेबल नाउन को ही चेंज कर सकते हैं. हाउएवर देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ चेंजिंग सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन इनटू प्लूरल नंबर. यानी कुछ रूल्स आपको दिए गए हैं सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए. तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए उनको स्टार्ट करते हैं. वी कैन चेंज द सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन इनटू प्लूरल द फॉलोइंग वेज बाई एडिंग एस. सबसे फर्स्ट रूल है, आप एस एंड में यूज़ कर दीजिए. जैसे कि रूम, एस ऐड करेंगे रूम्स हो जाएगा. ट्री, एस ऐड करिए ट्रीज हो जाएगा. बॉटल, एस ऐड करने पर बॉटल्स. टीचर्स, एस ऐड करने पर टीचर्स. स्टूडेंट में एस ऐड करने पर स्टूडेंट्स. चेयर में एस ऐड करने पर चेयर्स. यू कैन सी बाई एडिंग ई एस एट द एंड ऑफ नाउन. अब इट इज़ एडेड टू द नाउन्स एंडिंग विद ओ. जिन में लास्ट में ओ आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, एस आता है, डबल एस आता है. द नाउन्स एंडिंग विद सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस. यानी जिन नाउन के लास्ट में ओ, सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स आता है, उनमें लास्ट में हम ई एस ऐड करते हैं प्लूरल में चेंज करने के लिए. लाइक यू कैन सी हियर, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, फॉक्स, फॉक्सेस, बुश, बुशेस, बेंच, बेंचेस, एस, एसेस, है ना, कार्गो, कार्गोस, मॉस्किटो, मॉस्किटोज. बट यहाँ पे आपके लिए एक एक्सेप्शन है, नोट भी है. द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग विद ओ डू नॉट टेक ई एस बट एस एट द एंड ऑफ टू मेक प्लूरल फॉर्म्स. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो ओ से एंड तो होते हैं बट उनको हम प्लूरल में बनाने के लिए ई एस का यूज़ ना करके ओ का यूज़ करते हैं. जैसे फोटो, फोटोज़, पियानो, पियानोज, स्टूडियो, स्टूडियोज़, रेडियो, रेडियोज़, बम्बू, बम्बूज़. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल दीज थ्री रूल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. चलिए आगे देखते हैं. बाय रिप्लेसिंग बाय विद आई एस एट द एंड ऑफ नाउन. दिस हैपन्स ओनली वैन वाई एट द एंड ऑफ अ कॉन्स्टेंट लेटर बिफोर इट. अब इसके पहले कौन सा लेटर आना चाहिए, सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर आना चाहिए. कौन सा लेटर आना चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर. यानी सी वाई यहाँ पर है, वाई से पहले क्या है, टी है. तो टी कॉन्सोनेंट होता है, प्लूरल नहीं हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो. अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो आप उसको वाई को हटा कर वहाँ पर आई एस ऐड कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा. जैसे सिटी, अब यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट है, आई एस लगाया, सिटीज़ हो गया. लेडी, लेडीज़. कंट्री, कंट्रीज. स्टोरीज, स्टोरीज़. इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइट है इसमें, है ना, डार्क नहीं है. तो आप अपनी बुक में जहाँ देखेंगे वहाँ आपको डार्क भी दिख जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सप्लाई, सप्लाइज़. बॉय, बॉयज़. डे, डेज़. अब यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर ओ, ए, ई, ओ, ई, ई, यानी इनमें वाई से पहले क्या दिया हुआ है, वॉवल दिया हुआ है. इसमें क्या है, वी ओ डब्ल्यू ई एल, वॉवल प्लस वाई. वॉवल के बाद वाई दिया हुआ है तो ओनली एस लगेगा.
और इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है ना, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई ई एस लगेगा, जबकि यहाँ पर ओनली एस लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन इट कम्स कॉन्सोनेंट बिफोर वाई और इट कम्स वोवल बिफोर वाई, है ना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला रूल है बाय रिप्लेसिंग एफ एफ ई विद वी ई एस एट द एंड ऑफ अ नाउन। कई बार हम एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, जैसे काफ वी ई एस लगाएंगे काफ्स हो जाएगा, थीव थीव्स, लीफ लीव्स, लाइफ लाइव्स, वॉल्फ वॉल्व्स, शेल्फ शेल्व्स, नाइफ नाइव्स, वाइफ और वाइव्स। द फॉलोइंग नाउन्स आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल एंड फॉर्म देयर प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस एट द एंड। कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो इस चीज़ के क्या हैं, एक्सेप्शन है, इस चीज़ का अपवाद है, जैसे कि रूफ में एफ है लेकिन वी ई एस नहीं लगता, ओनली एस लगता है, रूफ रूफ्स, ड्वाफ ड्वाफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, चीफ चीफ्स, हैंडकरचीफ हैंडकरचीफ्स। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट रूल, अगला रूल है बाय एडिंग एस टू द मेन प्रिंसिपल वर्ड इन द कंपाउंड नाउन, नाउन्स विद मोर देन वन वर्ड्स। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, वो नाउन्स जो दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, तो उसमें जो मेन नाउन होगा उसमें एस लगेगा, जैसे पासर बाय, यहाँ पर दो नाउन है तो एस लगेगा, पासर बाय पासर्स बाय हो जाएगा, पासर बाइज नहीं होगा, यानी यहाँ लास्ट में एस न लगकर जो मेन नाउन है पासर्स उसमें एस लगेगा, पासर्स बाय हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पासर्स बाय नॉट पासर पासर बाइज। मदर इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ होगा ना कि मदर इन लॉज। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। मैन ऑफ वॉर, मैन एम ई एन लगता है इसमें, एम ई एन होता है मैन का प्लूरल, मैन का प्लूरल क्या होता है, एम ई एन, तो मैन ऑफ वॉर नॉट मैन ऑफ वॉर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल दीज रूल्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल्स। आइए अगले रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, बाय चेंजिंग द वॉवल्स यूज्ड इन द मिडल ऑफ नाउन। वॉवल्स चेंज हो जाते हैं जो नाउन के मिडल में जा रहे हैं, जैसे वुमेन का डब्ल्यू एम ए एन की जगह डब्ल्यू ओ एम ई एन हो जाता है, मैन की जगह एम ई एन हो जाता है, एफ डब्ल्यू टी एफ डब्ल ई टी फीट हो जाता है, फुट का प्लूरल फीट, टूथ का प्लूरल टीथ, माउस का माइस, लोज का लाइस, गूज का गीज, स्टेट्समैन का स्टेट्स मैन, वर्कमैन का वर्कमैन, एम ए एन की जगह एम ई एन हो जाएगा मैन में, और वुमेन में डब्ल्यू ओ एम ए एन की जगह डब्ल्यू ओ एम ई एन हो जाएगा। चलिए, द नेक्स्ट रूल इज बाय एडिंग ई एन आर ई एन एट द एंड ऑफ नाउन, जैसे ऑक्स का ऑक्सन, चिल्ड्रन का चाइल्ड का चिल्ड्रन। बाय एडिंग अपोस्ट्रॉफी और सिंपली एस एट द एंड ऑफ द एब्रीविएटेड नाउन, एब्रीविएटेड नाउन यानी जो शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे होते हैं, जैसे बी ए, तो इसमें आप प्लूरल चेंज करना चाहते हैं तो बी एज लिख देंगे, आप एम एल ए एम एल एज लिख देंगे, अपोस्ट्रॉफी लगाकर। लास्ट में क्या लगाना है आपको, अपोस्ट्रॉफी ज़रूर लगाना है, ये जो होता है ना अपोस्ट्रॉफी, जैसे बी ए और यहाँ अपोस्ट्रॉफी लगाइए, यहाँ एस लिख दीजिए, बी एज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, एम पी एम पी अपोस्ट्रॉफी एस एम पीज हो जाएगा, है ना। जब आप और डायरेक्ट आप लिखना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे ही विदाउट डॉट्स के, यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं, अगर आप ये फुल स्टॉप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एम पीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, द नेक्स्ट रूल इज नो चेंज इज मेड टू स्पेलिंग ऑफ द नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। ऐसे नाउन्स जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में हैं तो उनमें स्पेलिंग चेंज नहीं होता, ये आपके सिंगुलर और प्लूरल में दोनों सेम रहते हैं, एनल्स, मेजल्स, थैंक्स, मम्प्स, एसिड्स, नपटियल्स, है ना, नपटेल्स, सेविंग्स, आर्म्स, ब्लियर्ड्स, एशेज, डॉटर्स, ईव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो कुछ नाउन्स हैं जो आपके सिंगुलर में भी वही प्लूरल प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और प्लूरल में तो प्लूरल फॉर्म में है ही हैं। नो चेंज इज मेड इन द स्पेलिंग ऑफ नाउन्स विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू पार्ट्स, यानी ऐसी चीज़ें जो दो पार्ट से मिलकर बनी हुई हैं, सच नाउन्स और ऑलवेज एस विद द स्पेलिंग। अब आप इनको एक में नहीं बोल सकते, जैसे सीजर, कैंची, कैंची के दो पार्ट होते हैं, जैसे ये कैंची है, है ना, तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है,
तो आप हमेशा इसको सीजर्स बोलेंगे, सीजर नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सिंगुलर में भी इसको सीजर्स बोलेंगे, जैसे एक सीजर है आपके पास तो भी सीजर्स बोलेंगे, दो सीजर्स हैं तो सीजर्स बोलेंगे ही। पैंट्स, जो आप पैंट पहनते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, ये पैंट आप पहने हैं तो इसके दो पार्ट हैं, है ना, तो ये दो पार्ट हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, है ना, इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, इसमें आप यूज़ करेंगे पैंट्स ना कि पैंट। शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स, पैजामाज, स्पेक्टल्स, टोंग्स, है ना, पिंसर्स, फैटर्स, एनविरंस, शॉक्स, है ना, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो दो पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, है ना, ये सब ऐसी नाउन्स हैं जो दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, है ना, वर्ड्स नहीं नाउन्स, ये ऐसी नाउन्स हैं जैसे सीजर, कैंची, पैंट्स, है ना, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स, यानी ये सब किससे, दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम सिंगुलर में भी एस लगाते हैं और प्लूरल में तो एस लगाते ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आई टोल्ड यू टू मेक प्लूरल नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग एट योर होम, ओबे योर पेरेंट्स एंड ऑलवेज लव योर पेरेंट्स।